आज पेशे खिदमत है तुर्की के 11 दिन के टूर की तफसीलात। इस ट्रिप में मैंने तुर्की के 4 शहर जिनमें इस्तांबुल, अंताल्या, सोगत, डेनिसली पामों के लिए विजिट किए, जिस पर मेरा कुल मिलाकर तकरीबन 2,20,000 रुपया खर्चा आया। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मैंने इस ट्रिप में ट्रांसपोर्ट कैसे और कौन कौन सी इस्तेमाल की, किस होटल में रुका और कितने पैसे अदा किए और कहाँ से क्या खाया। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और तुर्की का ट्रिप प्लान कर लें। टर्की की सैर के लिए आपका सबसे बड़ा खर्च हवाई जहाज़ की टिकट है। टिकट के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जिनमें PIA, टर्किश एयरलाइंस और तुर्की की ही पिगासिस एयरलाइंस सर फहरिस्त हैं। ये तीनों एयरलाइंस आपको डायरेक्ट इस्तांबुल तक की फ़्लाइट की सहूलत देती हैं। इसके अलावा कतर, एमरेट्स, इतिहार की ट्रांजिट फ़्लाइट भी मौजूद हैं। और अगर आप सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो सऊदी और ओमान एयरलाइंस का इंतखाब कर सकते हैं। मैं 80,000 रुपये में टर्किश एयरलाइंस की रिटर्न टिकट खरीद कर गया था। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में पहुंच जाएं अपने होटल, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमें टैक्सियाँ लेनी पड़े। अच्छा। और हम बस से पहुँच जाए। अच्छा, शुक्र आपने पैदल नहीं कह दिया, सस्ते में। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अब्रॉड जाते हैं तो सबसे पहले जाके सिम खरीदते हैं, क्योंकि आपके घर वाले भी वेट कर रहे होते हैं कि आप उनको अपना लैंडेड सेफली का मैसेज भेज दें। तो अभी हम तुर्कसेल पे आए हैं। यहाँ पे मिनिमम जो सिम है वो 220 लीरा की है, जो कि तकरीबन 6,000 के करीब बनता है पाकिस्तानी, और इसमें 25 GB डाटा आपको मिल जाता है, जो कि आपके टूर के लिए मोर देन इनफ होता है। तुर्की जाने के लिए सबसे पहले वीज़ा लगवाने की ज़रूरत है, तो चलें पहले देखते हैं कि वीज़ा लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका क्या प्रोसेस है। अगर आप तुर्की का वीज़ा लगवाना चाहते हैं और आप जॉब करते हैं तो ये कागजात तैयार कर लें। अगर शादीशुदा हैं तो MRC, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो FRC लेटर, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स, पोलियो सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो आप खुद भी कर सकते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, या आप जेरी के ऑफिस से भी करा सकते हैं, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट जिसकी मियाद ख़त्म होने में कम अज़ कम 6 माह अभी बाकी हों, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो कि आप FBR की वेबसाइट से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और आखिर में कोविड टेस्ट जो आपकी फ़्लाइट से 96 आवर पहले के दौरानिए में कराया गया हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आपको कंपनी लेटर हेड जिस पर आप अपना बिज़नेस का तारुफ करवाएंगे और अपने विज़िट की रीज़न बताएंगे। बिजनेसमैन के लिए आपको NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत नहीं, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। ये तमाम कागजात जमा करें, तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करें और फिल करें, जेरीज में कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और फाइल जमा करवा दें। जेरी आपसे टोटल 14,600 रुपये फ़ीस लेगा और 14 वर्किंग डेज़ में आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। लें जनाब, ये मैंने आपकी पहली 8 से 10,000 रुपये की बचत करवा दी है। लोकल जाने का तरीका है वो ये है कि हवा बस चलती है, ये पीछे आप देख रहे हैं इस बस को, ये आपसे 25 लीरा पर पर्सन चार्ज करती है, जो कि आपको तकसीम स्क्वायर तक लेके जाती है, अस्कराए और इसमें जितने भी फेमस एरियाज हैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करती है। आपकी जो टैक्सी है वो आपसे चार्ज करती है फती जाने के 150-160 लीरा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में आपको ये बस मिल जाएगी, बेसमेंट में आपको जाने के लिए मिलती है और ड्रॉप आपको ये फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं। तो आपका जो 150 लीरे वाला काम है वो 25 लीरे में हो जाता है, तो मैंने आपके 125 लीरे बचा दिए हैं। तो अब आप इसी खुशी में मुझे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे इजी लोड करवा दें। मेरे ख्याल में इस्तांबुल में ठहरने के लिए आपके पास 3 से 4 अच्छी ऑप्शन हैं, जिनमें सुल्तान अहमद, टैक्सिम स्क्वायर, एमिनोनो और गलाटा शामिल हैं। इन तीनों मकामात से इस्तांबुल की तकरीबन तमाम बड़ी लोकेशंस वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, और जितनी भी टर्किश फेमस क्यूज़ीन्स हैं वो भी आपको ईजीली मिल जाती हैं, और वहाँ जाने के लिए इन्हीं इलाकों से पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल भी जाती है। होटल बुकिंग के लिए मैं 3 मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें ट्रिप एडवाइज़र,
booking.com और trip.com शामिल हैं। कोई भी ट्रिप पैकेज या रूम बुकिंग से पहले आप इन तीनों वेबसाइट्स को विज़िट कर लें, लेकिन याद रखें इंटरनेशनल ट्रैवल में क्रेडिट कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है। हमने पहले ही सुल्तान अहमद के इलाके में स्टैनपोली होटल की बुकिंग करवा रखी थी, जिसकी एक रात का किराया पाकिस्तानी 4200 रुपये के करीब बनता है, जिसमें दो अफराद का नाश्ता भी शामिल है। बड़ा कूजी सा और ब्राइट सा है, और ये अब्दुलरहमान साहब मास्क उतार के अपने जिंदगी में आए और सांस लेना बड़ा आसान हो गया। हाँ, ये कानों से आवाज सांस लेते हैं, उल्टा लगाओ सीधे हो जाएंगे। रूम इज वेरी गुड, कॉम्पैक्ट है लेकिन बड़ा अच्छा है, मजे का है। दो घंटे का रेस्ट कर लिया है और फ्रेश हो गए हैं, देखें हम चिट्टे गोरे लग रहे हैं, चमक गए हैं। तुर्की ट्रिप में मैंने 11 में से 5 दिन इस्तांबुल में गुजारे, और इन 5 दिनों में विजिट किया आया सोफिया, प्रिंसेस आइलैंड, ग्रैंड बाजार, बास्फोरस क्रूज, टॉक्सिन स्क्वायर, ग्लाटा टावर, अयूब सुल्तान और तोपकपी पैलेस, जबकि पीरेलोती और ब्लू मॉस्क भी विजिट किया, लेकिन अभी उनके एपिसोड्स आना बाकी हैं। इसके अलावा इस्तांबुल में आवारागर्दी का निज़ाम ऑन रखते हुए एमिनोनो, अरास्ता बाज़ार, मेडन टावर, इजिप्शियन स्पाइस बाज़ार में भी एंट्री मारी और खाए तुर्की के मशहूर खाने। तो आज पेशे खिदमत है तुर्की के 11 दिन के टूर की तफसीलात। टर्किश एयरलाइन के नाश्ते ने काफ़ी मायूस किया था, इसलिए आवारागर्दी का निज़ाम खाने के बाद ही किया जाएगा। What do you want to eat? Anything special. Anything special. We have Turkish regular kebabs, okay. Turkish pizza, some regular Turkish kebabs. Okay. Some pita also, tasty kebabs, beyti, Ortaklar special, İskender, döner. There are so many. İskender kebab. Do you have İskender kebab? Yeah, we have. Abdüsle İskender kaldı mı? Yes, we have. Okay, done. Yeah. Asab order kya kya diya aapne? Ek adana kebab hai. और एक सिकंदर के बाद। और आपके लिए? नहीं, मैंने खाना है। जी भाई, खाना हम लोगों ने खा लिया था और दोपहर का हमने लंच किया ब्रीफ सा, लेकिन ये है कि जितना हम चले हैं लंच में निकल गया और सुबह वाला नाश्ता भी गायब हो गया। हाँ तो ठीक है, 3 किलोमीटर ही कहा था मैंने, 3 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर आज हम चले हैं। मेरी ऐप ने मुझे बता दिया कि अगले 3 दिन तुमने चलना नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट 3 दिन क्या होता है। आज हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, रात को भी निकले बजे बगैर सोए हमने आज सारा दिन भी अटेंड किया है, इस्तांबुल के बाज़ारों को देखा है। तो इंशाल्लाह आज का डे यहीं पे एंड होता है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, सी यू। रिपन ट्रिप की डिस्कवर तुर्की सीरीज का आज हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं, और हमारी मंजिल है प्रिंसेस आइलैंड। प्रिंसेस आइलैंड जाने के 2 तरीके हैं, पहला ये कि आप कोई टूर पैकेज ले लें, और दूसरा आप इस टूर को खुद भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोई टूर पैकेज लेते हैं तो ये आपका स्टार्ट होगा 20 से 45 यूरो के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी 4,500 से 8,500 के दरमियान बनता है। इस पैकेज में आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, आपको
फेरी का जो फेयर है वो भी इसमें शामिल है, आपको लंच या डिनर जो भी आप टाइम लें वो शामिल होगा, और इसके अलावा गाइड की सहूलत भी मौजूद होगी जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा ट्रिप के बारे में। प्रिंसेस आइलैंड अगर आप ख़ुद प्लान करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस्तांबुल के किसी भी इलाके में हैं, आप T1 ट्रैम पर बैठें और काबातश और या एमिनोनो उतर जाएं। काबातश और एमिनोनो से आपको प्रिंसेस आइलैंड की फेरी मिल जाएगी। यहाँ से प्रिंसेस आइलैंड जाने का रिटर्न आपको टिकट मिलेगा 8 यूरो में। आप खुद से चले जाएं, 1.5 घंटे का ये सफ़र है, खुद से इसको एक्सप्लोर करें और अपनी गिवन टाइमिंग में और अपने स्केड्यूल के मुताबिक खुद भी वापस आ सकते हैं। वैसे तो ये मेरे ट्रिप का दूसरा दिन था, लेकिन तुर्की की सैर का ये मेरा पहला दिन था। इस दिन मैंने प्रिंसेस आइलैंड, ग्रैंड बाज़ार और एमिनोनो की सैर की। अच्छा जी, काबातश एरिया है जहाँ पे क्रूज़ भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, और पहले मेरा ख्याल था कि ये एमिनोनो से जाएगी, एमिनोनो से भी फेरीज चलती हैं प्रिंसेस आइलैंड के लिए। हम लोग काबातश पहुँचे हैं और हमने ये खुद से प्राइवेट नहीं बना रहे, टूर ऑपरेटर से ही हमने ये पैकेज लिया है। 20 यूरो से लेकर 45 यूरो तक का ये पैकेज है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ले लें। हमने 25 यूरो वाला लिया है, 25 यूरो वाला हमने पैकेज लिया है। तो यहाँ पे वो टिकट परचेज़ करें, सामने टिकट ऑफिस है, काबातश का ये एरिया है, यहाँ से आपके प्रिंसेस आइलैंड चलते हैं और क्रूज़ बॉस्फोरस क्रूज़ की राइड भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और ये तकसीम से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। आसमानी, नीले और गहरे नीले रंग के पानी में चलती हुई फेरी ने अलग ही निज़ाम कायम कर दिया है। ये देखें व्यूअर्स, ये सेकंड एपिसोड के लिए जालसाजी कर रहे हैं, व्हाट्सअप शर्ट चेंज करके बताएंगे कि मैं दूसरे एपिसोड के लिए स्पेशल आया हूँ, लेकिन हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। भाई अभी हमने खाना भी खाना है, आपको जो प्रिंसेस आइलैंड की इंटीरियर सिटी है वो भी दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। ये सारा प्रिंसेस आइलैंड ही ऐसे है जैसे हाथ से बनाया गया, वैसे हाथ से बनाया गया, लेकिन एक एक जगह एक एक इंच जो है वो एस्थेटिकली इतना ज़बरदस्त बना है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट किया है वो भी देखने वाली है। छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से इनके पास प्लेसेस हैं, लेकिन हर बंदे ने उसको बहुत ही अच्छा सजाया है। इतने प्यारे प्यारे घर हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने वाइब्रेंट रखे गए हैं और ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड किया है कि 2 प्लेटर ले लेते हैं और आधे आधे खा लेंगे, लेकिन अगर मेरा मज़ेदार निकला है तो मैंने कोई नहीं देना। इसमें एज़ यूजुअल इनकी एक बड़ी सी हरी मिर्च है, साथ लेटस है और प्याज है, और साथ में पिलास मतलब चावल, और साथ चिकन के 2 बड़े बड़े पीस हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर है जी टर्किश डोनर प्लेटर है, इसमें ये चिकन है, चिकन डोनर लिया इन्होंने टर्किश का, साथ चिप्स है और वो पीछे एक टमाटर छुपा हुआ है बच के। अच्छा जी, तो स्टार्ट हम ले रहे हैं। प्रिंसेस आइलैंड का सफ़र हमारा एमिनोनो पे आके ख़त्म हो गया। हम बैठे काबातश एरिया से थे और उतरे हम एमिनोनो में हैं। यहाँ से सुलेमानिया मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार बिल्कुल करीब है, और प्रिंसेस आइलैंड का जो तजुर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक वन था। और प्रिंसेस आइलैंड से वापसी पर मैं एमिनोनो उतर गया था क्योंकि मैं ग्रैंड बाज़ार जाने का प्रोग्राम बनाया था। एमिनोनो से घूमता घुमाता मैं ग्रैंड बाज़ार जा पहुँचा और दिन का एंड मैंने नुसरत स्टेक हाउस के बर्गर से किया।
ग्रैंड बाजार इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में वाकया है। आप सुल्तान अहमद से वॉक करते हुए यहाँ जा सकते हैं, और अगर एमिनोनो से आएँ तो भी 12 से 15 मिनट की वॉक करके आप ग्रैंड बाजार पहुँच सकते हैं। ग्रैंड बाजार दुनिया का पहला बाकायदा शॉपिंग मॉल है, जिसे तकरीबन 565 साल पहले तामीर किया गया। यहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें, रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ 2.5 से 4 लाख लोग आते हैं। साल 2014 में यहाँ आने वाले लोगों की तादाद 9 करोड़ से ज़्यादा थी, जो आज तक किसी भी शॉपिंग मॉल में स्टेप इन करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए इतनी को वैरायटी है कि अगर बंदा आप अपनी बेगम के साथ अगर आएंगे तो फंस जाएंगे, तो लिहाजा अकेले आए मेरी तरफ। और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस भाई के पास। इनकी हम अक्सर मीट कटिंग की वीडियोस देखते हैं, तो ये नुसरत स्टेक हाउस के हैं और यहाँ पे इनके जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो चल के देखते हैं आज हमें ये कैसे पीट के दिखाते हैं नमक। ये ऐसे करके नमक डालते हैं, और जब आप बिल पे करते हैं तो फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एग ही हो गया। ऑर्डर हमने अपना दे दिया है, और माशाल्लाह इस स्टेक हाउस के जो स्टार्टर हैं वो भी 500 टर्किश लीरा के हैं। तो वैसे हमें इतनी भूख नहीं थी इसलिए हमने अपना ज़रा नॉर्मल ऑर्डर दिया है। असल में ये स्टेक खाते हैं हाफ डन, और इनका जो वेल डन है ना, हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए वो भी हाफ डन ही होती है। तो इसलिए फिर हमने स्टेक के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं किया, क्यों हमने इनको इनका एक स्टेक बर्गर फेमस है बड़ा, लोकम बर्गर, साथ मेडिटेरेनियन सैलड, वो हमने ऑर्डर किया है। हमने लोकम बर्गर लिया है, इसमें जो बीफ है उसको क्रश करके मिक्स किया जाता है डिफरेंट स्पाइसेस डाल के। बर्गर में ऊपर नीचे चीज़ लगाई जाती है, और सिंपली उसको, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सारा ग्रिल बर्गर है। तीसरा दिन मसरूफियात से भरपूर और थका देने वाला था, लेकिन था बहुत यादगार। इस दिन मैंने इस्तांबुल की तारीखी ब्लू मॉस्क, आया सोफिया मॉस्क, टॉपकपी म्यूज़ियम, सुलेमानिया मॉस्क और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का मकबरा देखा, और मौके का फ़ायदा उठाकर इस्तांबुल के मशहूर मीट बॉल्स पर भी हाथ साफ किया। ग्रिपन ट्रिप में आज हम जा रहे हैं आया सोफिया मस्जिद, जो इस्तांबुल के सुल्तान अहमद एरिया में वाक़या है। सुल्तान अहमद का एरिया इस्तांबुल का अहम तरीन इलाका है,
क्योंकि यहाँ पर आया सोफिया के साथ ब्लू मॉस्क और तोपकपी पैलेस भी है। इसके अलावा ग्रैंड बाजार और एमिनोनो का इलाका भी सुल्तान अहमद के बिल्कुल साथ है। सुल्तान अहमद जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यह आपको इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ड्रॉप करती है, जबकि फेरी के जरिए एमिनोनो से पैदल चलकर भी सुल्तान अहमद पहुंचा जा सकता है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो अस्कराय का स्टॉप आपको नज़दीक तरीन रहेगा। अगर आप इस्तंबुल आए हैं तो सुल्तान अहमद के एरिया में एक दो दिन ज़रूर गुजारें। मैं अभी स्टैनपोली होटल में रुका हुआ हूँ। यहाँ एक रात रुकने के $27 चार्जेस हैं और जिसमें हम दोनों लोगों का नाश्ता भी शामिल है। आया सोफिया के बाद इसके करीब ही तोपकपी पैलेस देखने चले गए। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें, क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। डिस्कवर टर्की सीरीज़ की पिछली एपिसोड में हमने आया सोफिया मस्जिद का विज़िट किया था और आज हम लोग जा रहे हैं तोपकपी पैलेस। आया सोफिया के दाएँ हाथ अंदर जाने वाली सड़क सीधी तोपकपी जाती है। इसके अलावा अरास्ता बाज़ार से आने वाला रास्ता भी तोपकपी की तरफ जाता है। यहाँ वॉक करते हुए जाते हैं। तोपकपी पैलेस हम पहुंच गए हैं और तोपकपी की जो टिकट्स हैं ये 100 आप देख रहे हैं, ये 100 ले रहा है। हमारा ख्याल था कि 72 ले रहा होगी, लेकिन हमें टर्किश क्योंकि पढ़नी नहीं आती, वो 70 ले रहा थी बच्चों की। तो मुझे तो मेरी मिल गई है 70 में, क्योंकि मैं 30 से नीचे हूँ। अब्दुलरहमान साहब को जो है वो 40 से ऊपर है, इसलिए 100 की मिली है। होली रैलिक्स के हिस्से में वीडियो बनाना सख्ती से मना है, वरना मैं लाजमी आपको अंबियाए कराम और सहाबा कराम के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें दिखाता। तोपकपी पैलेस और आया सोफिया देखने के बाद हम लोग इस्तांबुल के मशहूर मीट बॉल्स खाने पहुँचे, जो आया सोफिया के करीब ही वाक़ है। लें जी, ये हैं हमारे लैम शीश कबाब हैं और ये हमारे द फेमस मीट बॉल्स हैं और ये हमारा मेन्यू और ये एक ज़रूरतमंद। इन्होंने फास्ट चटनी दी है, वैसे तो ये देखने में आपको लाल लग रही है लेकिन ये इतनी होती नहीं है। ये कबाब के ऊपर हल्की सी मिर्चें लगी हुई हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखने में लाल है, ये इतनी कड़वी नहीं है और इसके साथ आपको खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इतने टेंडर कबाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, और इसके अंदर देखें वाकई कुछ भी नहीं है, कोई मसाला कोई प्याज कुछ भी नहीं आ रहा, ये कोई इनका इनको दुआ है किसी की। चौथे दिन मैंने सहाबी रसूल हज़रत अबू यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार की ज़्यारत, तकसीम स्क्वायर और इस्तकलाल एवेन्यू की सैर की। तकसीम स्क्वायर आने का फ़ायदा ये होता है कि पूरा इस्तांबुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपकी पहुंच में आ जाता है। यहाँ ये बात नोट कर लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा महंगी नहीं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इस्तांबुल कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड आप अपने होटल वाले से भी मंगवा सकते हैं या जगह जगह लगी मशीनों में 20 लीरे डालकर ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। एक स्टॉप से किसी भी दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए आपको 2.5 लीरे अदा करने होंगे। आप ये कार्ड इन्हीं मशीनों से रिचार्ज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया दिन और नया एपिसोड, और आज हम रुके हुए हैं तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल करीब
और जा रहे हैं अयूब सुल्तान हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार शरीफ पे। तकसीम स्क्वायर से अयूब सुल्तान जाने के लिए 55C मेट्रो बस पर बैठें और अयूब सुल्तान के स्टॉप पर उतर जाएं। ये बस आपको मज़ार शरीफ के सामने ही उतारेगी और इसके लिए आपका मेट्रो कार्ड का होना ज़रूरी है। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ की मुकम्मल एपिसोड देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अय्यूब सुल्तान एरिया में शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी और खाने के लिए बहुत शानदार टर्किश कज़ीन मौजूद है। इसके अलावा आपके दरबार से एक रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है जहां से इस्तांबुल का सिटी व्यू होता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मज़ार शरीफ से वापसी पर हम लोग इस्तांबुल के मशहूर टैक्सिम स्क्वायर देखने पहुंचे। इस्तांबुल शहर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यूरोप में जबकि दूसरा एशिया में वाकया है। ज़्यादातर तारीखी मकामात जैसे गलाटा टावर, सुल्तान अहमद, अय्यूब सुल्तान, ग्रैंड बाज़ार, ये सारे हिस्से इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में वाकया हैं जो कि कदीम इस्तांबुल भी कहलाता है। इस्तांबुल के दोनों हिस्सों में से गुजरने वाले समुंदर की एक छोटी सी लाइन है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है और यही लाइन यूरोप को एशिया से अलहदा करती है। इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में समुंदर एक तंग सी नाली बनकर गुजरता है और इस हिस्से की शक्ल एक बाजे की सी लगती है। इस बिना पर इसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता है। तकसीम स्क्वायर से कई रास्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मैं जा रहा हूं इस्तक्लाल एवेन्यू की तरफ। वैसे तो टैक्सिम स्क्वायर से ट्रैम और बस के ज़रिए एमिनोनो जा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तक्लाल से वॉक करता हुआ गलाटा टावर के करीब से गुजरूंगा और हेलिक ब्रिज जाऊंगा और कुछ देर वहां बैठकर रेस्ट करूंगा और फिर वहीं से पैदल हेलिक ब्रिज क्रॉस करके एमिनोनो चला जाऊंगा। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। वैसे आपको बताऊँ, इस्तांबुल पैदल फिर कर देखने वाला शहर है। यहाँ की हर गली हर मंज़र ही दिलचस्प है। टैक्सिम स्क्वायर इस्तक्लाल एवेन्यू का निज़ाम चेक करने के बाद एमिनोनो से इस्तांबुल के मशहूर कबाब खाए। ये टिक्का वाकई डिजर्व करता है कि ये टॉप 10 में आए। हमने इस्तांबुल के तकरीबन सारे खाने खा लिए हैं जो फेमस हैं। ये वाकई डिजर्व करता है, बल्कि टॉप 5 में बनता है आना, और ये हाईली रिकमेंडेड है। एमिनोनो का ये इलाका है, आप गूगल से ईजिली आ सकते हैं। बस कर दे यार, तेरी मेहरबानी। एमिनोनो से खाने का निज़ाम करने के बाद वापसी फिर तकसीम स्क्वायर की तरफ ही है और वैसे भी मेरा होटल तकसीम स्क्वायर में ही है। इस्तक्लाल एवेन्यू की रौनकें रात को मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस सड़क के दाएं बाएं वाली गलियों में डांस क्लब, शीशा कैफ़े और हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अभी रात खाने का टाइम हो गया है और डिनर में भी तुर्की के रवायती खाने का ही प्लान शामिल है, तो आएं पहले आपको खाना खिलाऊं। पच्चीस टर्किश लीरे का पिद्दे ब्रेड और 28 लीरे का लहमा चून खाया। ये दोनों चीज़ें ही मुनफरद थीं और पूरे तुर्की में ये फूड आइटम आपको हर जगह नज़र आती है।
पिज्जे ब्रेड लिया हमने चीज़ वाली, बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत था इसका प्रोसेस बनाने का जो मैंने देखा है। और साथ हमने लिया लहमा चोम, इसमें टमाटर प्याज धनिया और थोड़ा थोड़ा कीमा और साथ हल्की सी लैम की जो चर्बी होती है हल्की सी वो है। तुर्की के दौरे का पांचवा दिन तुर्की आने का सबसे बड़ा टारगेट पूरा करने का दिन था। मैं ज़ाती तौर पर इर्तुगुल गाजी का फ़ैन हूँ, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं तुर्की आता और इनके मज़ार पर हाज़िरी ना देता। पांचवा दिन सारे का सारा मैंने इर्तुगुल गाजी के लिए वक्फ कर रखा था। ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है इर्तुगुल गाजी मर्द हक के शहर में और मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। और तुर्की सीरीज़ में मेरा सबसे हिट एपिसोड भी यही है। इस्तंबुल से सोगत जाने का तरीका और इसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने इस एपिसोड में दी हैं। आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये सारा एपिसोड देख भी सकते हैं। इर्तुगुल गाजी का मज़ार सौत में वाक़ है। लिखने में ये लफ्ज़ सोगत है जबकि तुर्की वाले इस जी को साइलेंट करके सौत पढ़ते हैं। सौत शहर जाने के लिए आप पहले बिलेचिक जाएंगे जो इस्तंबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर है। बिलेचिक से मज़ीद आपको 20 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा और आप पहुंच जाएंगे सौत शहर। सौत शहर पहुंचने की दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन वो जिसे मैंने इस्तेमाल किया है वो है प्राइवेट टैक्सी। ये इस भाई का नंबर है और उमर इनका नाम है। इनके पास 8 सीटर लग्जरी हाइएस्ट वैन है और मैंने इनको सौत के इस ट्रिप का 1200 टर्किश लीरा अदा किया है। इसमें इन्होंने मुझे होटल से पिक किया था और मुझे वापस होटल ही छोड़ेंगे। दूसरी ऑप्शन लोकल सफ़र की है। आप इस्तंबुल के बस स्टेशन से 55 टर्किश लीरा की टिकट खरीदें और बस पर बैठकर बिलेचिक पहुंच जाएं। बिलेचिक से सौत जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी लेना होगी और आपका ये राउंड ट्रिप 300 से 400 टर्किश लीरा में मुकम्मल होगा। इस्तंबुल में 5 दिन गुजारने के बाद मेरी अगली मंजिल थी अंतालिया जो इस्तंबुल से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तुर्की के अंदर सफ़र करना इंतहाई सस्ता है, चाहे बस हो या ट्रेन या हवाई जहाज़। पाकिस्तान के मुकाबले में किराया देखकर आप हैरान रह जाते हैं। इसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए मैंने वक्त और पैसा बचाने के लिए तुर्की की ही पेगासस एयरलाइन का टिकट ख़रीदा। ये टिकट मैंने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेगासस की वेबसाइट से ही ख़रीदा था। ग्रिप ऑन ट्रिप की डिस्कवर टर्की सीरीज़ में इस्तंबुल में 4 दिन गुजारने के बाद आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अंतालिया, जो तुर्की की मशहूर और बहुत ही मारूफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए टिकट परचेज किया है और टिकट हमें मिला है $22 का, जो कि बहुत सस्ता है। दिन ट्रैवल में ही गुजरा और अंतालिया पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। आवाज बस ने हमें क्लेसी के एरिया में उतारा है और हम लोग आगे से 25 टर्किश लीरा की टैक्सी करा के होटल पहुंच गए हैं। $25 का होटल बुक किया है और इसमें हम दोनों का नाश्ता भी शामिल है। सातवां दिन भी अंतालिया में ही गुजरा। मेजर अट्रैक्शंस की बात करें तो कुनियालती बीच, याटलिमानी, अंतालिया एक्वेरियम, अपर और लोअर डुडन वाटरफॉल, मार्क अंटालिया, लैंड ऑफ लेजेंड्स और केबल काल की अट्रैक्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए भी हैवी निज़ाम मौजूद है।
अंतालिया एक पुरसकून और नहायत खूबसूरत शहर है। दो दिन अंतालिया में गुजारने के बाद आठवें दिन मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कोनिया जा सकता था या पामोकले। मुझे क्योंकि रोमन हिस्ट्री बहुत पसंद है इसलिए मैंने पामोकले जाने का फ़ैसला किया। ये दोनों शहर अंतालिया से बस के ज़रिए तकरीबन चार घंटे की मुसाफत पर थे। पामोकले में मैंने मेलरोज़ होटल का इंतखाब किया। मैं पहले भी यहाँ क़याम कर चुका था। यह मेरे टर्की ट्रिप का सबसे खूबसूरत और आरामदेह होटल था। यहाँ एक रात का किराया पाकिस्तानी 5,000 रुपये के करीब था, जिसमें हम दोनों का नाश्ता भी शामिल था। पामोकले की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में कॉटन कैसल, रोमन थिएटर, क्लोपेत्रा पूल और लेक शामिल हैं। आप आसानी के साथ एक दिन में ये तमाम मकामात देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी की बजाय पैदल ये मकामात देखें तो आपको मजमूई तौर पर तकरीबन 7 किलोमीटर वॉक करनी होगी, इसलिए मैं आपको पैदल का ही मशवरा दूँगा। मैंने अपने होटल मैनेजर से कहकर ऑपरेटर की खिदमात हासिल कर ली थी, जिसने पाकिस्तानी 4,000 रुपया पर पर्सन मुआवजा वसूल किया। इसकी खिदमात में होटल से पिक एंड ड्रॉप, इंग्लिश बोलने वाला गाइड और लंच भी शामिल था। इसी दिन शाम को मेरी वापसी इस्तांबुल फ़्लाइट की थी। पामोकले के ये तमाम मकामात देखने के बाद मैं एयरपोर्ट रवाना हो गया। इस्तांबुल वापस आकर पाकिस्तान वापसी से पहले पूरा एक दिन बाकी था, तो सोचा क्यों ना रही सही कसर निकाल ली जाए। इस दिन मैंने इस्तांबुल की सबसे बुलंद और मशहूर इमारत गलाटा टावर का विज़िट किया। टक्सिम स्क्वायर से गलाटा टावर पैदल भी जाया जा सकता है। गलाटा टावर की सैर के बाद शाम को बॉस्फोरस क्रूज की सैर का प्रोग्राम था, इसलिए मैं होटल पहुंचा, मौके की मुनासबत से लिबास तब्दील किया और होटल मैनेजर से कह बॉस्फोरस क्रूज का ट्रिप बुक किया। बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप 20 से 45 यूरो में आसानी मिल जाता है। मैंने ये ट्रिप अपने होटल वाले से कहकर बुक करवाया है, जिसमें मुझे होटल से ही पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, यानी ट्रिप ऑर्गेनाइज़र मुझे होटल से ही पिक करेगा और इस क्रूज़ के बाद मुझे वापस होटल ड्रॉप करेगा। इस पैकेज में 3 कोर्स डिनर भी शामिल है और इसके अलावा पूरी राइड में म्यूज़िक नाइट वाला निज़ाम तो है ही, जबकि बॉस्फोरस क्रूज़ ट्रिप का दौरानिया 2.5 से 3 घंटे का है। अगर आप ख़ुद ये ट्रिप करना चाहते हैं तो काबादश से इस ट्रिप की टिकट ख़रीदें, जो 15 से 25 यूरो के दरमियान आपको मिलेगी और आप क्रूज़ पर सवार हो जाएं। अभी आते ही इन्होंने हमें एक प्लेटर पकड़ा दिया है जिसमें सैलेड है डिफरेंट किस्म के, और ताकि आप पहले खा के रह जाएं, आप बाकी चीज़ें कम खाएं, लेकिन अंदर नहीं पता इतने बाटा आए ने। तो ये अब्दुल मान साहब की फाइनली फ़ोन ख़त्म हो गया है और वो भी अपने काम पे शुरू हो गए हैं, तो कोई बात नहीं जी। छोटा सा प्लेटर खत्म हो गया। पानी भर लो भाई समुंदर से आदमी के लिए, अब्दुल मान साहब के लिए समुंदर का पानी दस्तियाब है, ये देख रहे हैं मेरे पीछे। बॉस्फोरस ट्रिप डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेट किए जाते हैं। रात को बॉस्फोरस के यूरोपीय हिस्से में मौजूद तारीखी इमारतों को नहायत खूबसूरती से लिटअप किया जाता है, इसलिए मैं रात के वक्त बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप को तरजीह देता हूँ। जो हमारी राइड थी बॉस्फोरस क्रूज की वो एंड हो गई है और अभी हम बाहर निकले हैं। यहाँ पे इकट्ठे नाचते रहे हैं, इकट्ठे खाने खाते रहे हैं और ये भी नहीं पता लगा कौन किसके साथ नाचता रहा है। और एंड में जो ऐलान हुआ है, ऐलान ये उन्होंने किया है कि कीप द सेफ डिस्टेंस और सब मास्क पहन के। हमने भी एंड पे मास्क पहन के यार हम नाचे ही नहीं, और दूसरी बात ये हमारे लिए ये एक्सपीरियंस डिफरेंट था। आप बताइएगा आपको ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले।
जी, तो टर्की ट्रिप का राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर ट्रिप करना चाहते हैं पत्रियाटा चेयर लिफ्ट का तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।